स्थान है, उन्होंने मार्क कर रखा है हॉन्टेड प्लेसेस। तो अगर आप कहते कि नकारात्मक या प्रेत बाधा नहीं होती, तो आप हमें लगता है कि आपका प्रश्न ही तथ्यहीन है और आपकी सोच समझ बिल्कुल जीरो स्तर। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो ISI द्वारा मार्केट क्यों, उनको हॉन्टेड प्लेसेस क्यों कहा गया? या तो वो गलत है या आकर तो पहले तो ये निर्णय करके आइए। अब प्रेत दरबार लगता बागेश्वर धाम पर, दूसरा दरबार लगता दिव्य दरबार। तो दिव्य दरबार में लगती है अर्जी, जिनकी बालाजी प्रेरणा दे दें, कल शायद दरबार यहाँ भी लगना है, दिव्य दरबार कल लगना है और परसों प्रेतराज सरकार का भी लगना है। हमारी प्रार्थना है आप जरूर बैठिएगा, अनुभव कीजिएगा। हाँ, और अब हम आपके प्रश्न पर हम जवाब देना चाहते हैं। तो ये बागेश्वर बालाजी जो हनुमान जी का धाम है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा में ग्रसित लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो अपने आप सूक्ष्म शक्तियां जो दिखाई नहीं पड़ती उन प्रेत बाधाओं को, क्योंकि प्रेत बाधा भी दिखाई नहीं पड़ती, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की लड़ाई होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की लड़ाई होती है, अधर्म से धर्म की लड़ाई होती है और उनकी पिटाई होती है। वो प्रेत फिर क्षमा मांगते हैं, रोते हैं, सीताराम जपते हैं और अंत तो भगवान बालाजी की शरण में आते हैं और रोगी याचक भक्त जो अर्जी लेकर जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। ये प्रेत दरबार और दिव्य दरबार। सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कायदा है 2013 से बना हुआ है, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने आपके खिलाफ इस तरह की प्रेत दरबार न हो इसलिए एक निवेदन पुलिस स्टेशन में। ये उनकी निजी विचारधारा है, लोग तो राम को भी नहीं मानते, ये उनकी विचारधारा। कोई अपने बाप को ना माने तो हमें क्या प्रॉब्लम और उनके नियम के लिए हम स्वागत करते हैं। और हमको या तो विश्वास बढ़ाने भी नहीं आए, उनको भी हम निवेदन करते हैं कि ना तो हम कोई चमत्कारी आती है और ना हम कोई अंधविश्वास बढ़ाने आए। और रही बात कि उन्होंने हमारे खिलाफ अगर कुछ दिया है तो ये उनकी निजी विचारधारा है और सरकारों कानून को अगर लगता है कि ये चीज बंद होनी चाहिए तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम एक साथ एक बात में हम कह देंगे, हम नहीं करते। लोगों को पीड़ा है तो लोगों की भावनाएं बालाजी कृपा करती है। अब लोगों की भावनाओं को तो कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, किसी की सामर्थ्यता नहीं है रोकने की। लोगों को रोके, हमें क्यों रोक रहे हैं? दारू का ठेका बंद करवाने से अच्छा है दारू पीने वाले पहले बंद किए जाए। अगर हम कथा को बेच रहे हैं तो कथा के खरीददारों को मना होना चाहिए। कथा हम बेच रहे हैं, हम तो अपनी तो मान लीजिए आप अपनी मीडिया को बेच रहे हैं, अब हम ना खरीदे तो आप क्या कर लोगे? ठन गोपाल बोलिए तो उनका जो लॉजिक है वो गलत और तथ्यहीन है। हमें उनकी विचारधारा से पता लग रहा है, अगर ऐसा है तो उनकी विचारधारा नहीं पूछता है। बाबा जी मेरे संबंध बहुत प्रगाढ़ हो रहे हैं, होना चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं योगी जी को, तो आपको प्रस्ताव आया था राजनीति में जाएगा? कीजिएगा भगवान, ऐसे तो ठीक है, जैसा मोटे आदमी के काम है भैया। लेकिन अपने राम में अध्यात्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। हमारे